बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2 जून 2021 बुध का दिन था, वीक का तीसरा ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्मेंस दी है, सेक्टर्स देखेंगे कौन से सेक्टर प्लस में गए हैं, कौन से नेगेटिव में। मार्केट मूवर्स को देखेंगे जिसमें वॉल्यूम 50,000 से अबव आता हो। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फाइनर्स और लोकल्स की बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नेक्स्ट जो आने वाली बोर्ड मीटिंग्स हैं और पे आउट्स जो अवेलेबल हैं उसकी डिटेल्स देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे लेवल देखेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट स्लाइटली नेगेटिव क्लोज हुई है, 64 पॉइंट की कमी के साथ इंडेक्स 48,126 के लेवल पे क्लोज हुआ है। 0.13% का डिक्लाइन है। सुबह ओपनिंग जो थी वो 48,272 की थी और अर्ली आवर में ही इंडेक्स ने एक डिप लिया था 47,960 के लेवल तक। 230 पॉइंट्स का डाउनफॉल था 0.48%। और उसके बाद अपना हाई भी पोस्ट किया 48,286 का, 95 पॉइंट्स इंटर के गेन में थे, लेकिन एंड पे फिर मार्केट नेगेटिव हुई और क्लोजिंग जो है वो 48,126 के लेवल पे आई है 64 पॉइंट की कमी के साथ। वॉल्यूम जो है वो 361 मिलियन शेयर्स के लगे। 5 डे की जो एवरेज है वो 392 मिलियन शेयर्स की। 42 स्क्रिप्ट अपसाइड पे थे, KSE 100 इंडेक्स के 54 डाउन थे, जबकि 4 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज ऑटोमोबाइल असेंबलर जो है वो टॉप पे हैं, 18 पॉइंट्स ऐड किए। मिसलिनियस सेक्टर ने 13, रिफाइनरी सेक्टर की तरफ से 13 पॉइंट्स ऐड हुई। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की तरफ से 9, लेदर सेक्टर ने 8, केमिकल और फूड सेक्टर की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने पॉइंट्स निकाले हैं 50, सीमेंट्स भी आज डाउन थे 29 पॉइंट्स निकले हैं, कमर्शियल बैंक्स ने 25, टेक्नोलॉजी की तरफ से 22, फर्टिलाइजर ने 10 और ट्रांसपोर्ट सेक्टर ने 5 पॉइंट्स लूज किए। कंपनीज की बात करें तो कैपको जो है वो टॉप पे है 15 पॉइंट्स के साथ, नेशनल बैंक ने 14 पॉइंट्स ऐड किए, होंडा कार ने भी 14 पॉइंट्स, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से 13, यूनिटी फूड ने भी 13, PSO ने 12, एसगार्ड 9 की तरफ से 11, नेशनल रिफाइनरी ने भी 11 पॉइंट्स ऐड किए हैं, सर्विस इंडस्ट्रीज की तरफ से 8 पॉइंट्स ऐड हुए। फ्लिप साइड पे HBL ने सबसे ज्यादा 35 पॉइंट निकाले, OGDCL की तरफ से 21, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने 17 पॉइंट निकाले, लकी सीमेंट ने 16, TRG पाकिस्तान की तरफ से 14, दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन और एंग्रो की तरफ से 12 पॉइंट निकले, हब पावर कंपनी लिमिटेड ने 11, माड़ी पेट्रोलियम ने 10, जबकि डीजी खान सीमेंट की तरफ से 8 पॉइंट लूज हुए। सेक्टर्स की बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज लेदर सेक्टर टॉप पे है 2.56% गेन के साथ, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी 2.18% प्लस था, ऑटोमोबाइल असेंबलर 1.60%, ग्लास सेक्टर 1.50%, रिफाइनरी सेक्टर 1.15% पॉजिटिव था, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 1.1% प्लस थे, मिसिलीनियस 1.05%, केमिकल सेक्टर 0.91%, जबकि इंश्योरेंस भी 0.59% अपसाइड पे गए हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 1.97% डाउन थे, मुदारबाज 1.18%, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज 1.15% डाउन थी, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 0.87%, वूलन सेक्टर 0.79%, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 0.37% डाउन थे, फार्मास्यूटिकल 0.32%, इन्वेस्टमेंट्स बैंक एंड सिक्योरिटी कंपनीज 0.32%, जबकि सीमेंट सेक्टर भी 0.26% आज डाउन साइड पे था। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी 4 पॉइंट्स की कमी के साथ 32,423 के लेवल पे सेटल हुआ है, 1,046 मिलियंस का ओवरऑल वॉल्यूम था। KSE 30 इंडेक्स 73 पॉइंट्स की कमी के साथ 19,657 पे बंद हुए, 108 मिलियंस का वॉल्यूम है। मीज़ान का 30 इंडेक्स भी 222 पॉइंट्स डाउन था, 69,084 पे इंडेक्स की क्लोजिंग है 113 मिलियन वॉल्यूम के साथ, जबकि मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है वो भी 23,519 के लेवल पे बंद हुआ है, 515 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। ETFs की देख बात करें तो UBL का ETF 76 पॉइंट डाउन था, 13,587 पे बंद हुआ है, 15 मिलियंस का ओवरऑल इसमें काम हुए। NIT का ETF भी 51 पॉइंट्स डाउन था, 9,985 पे क्लोजिंग आई है, 0.05% कम हुआ है, 32 मिलियन शेयर्स का इसमें काम हुआ है। NBP का ETF 63 पॉइंट्स की कमी के साथ 12,117 पे क्लोजिंग आई है, 32 मिलियन का ओवरऑल इसमें भी वॉल्यूम है, जबकि मीज़ान का जो ETF है वो 23 पॉइंट्स आज डाउन था, 11,687 पे क्लोज हुआ है, 58 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा। कीप मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 वॉल्यूम मीटर स्क्रिप्ट वो चेक कर लेते हैं।
वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज भी WTL है, 202 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम लगा है। बाइको पेट्रोलियम में 59 मिलियंस का वॉल्यूम है, 0.78% डाउन साइड पे गया है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन 36 मिलियंस का वॉल्यूम है, 1.5% डाउन था। यूनिटी फूड 34 मिलियंस का वॉल्यूम है, 2.2% प्लस था। एसगार्ड 9 में 30 मिलियंस का वॉल्यूम है, 4.19% प्लस था। हम नेटवर्क में भी 30 मिलियंस का काम हुआ है, 1.4% जो है वो अपसाइड पे गया। डबल जी एल 30 मिलियन वॉल्यूम के साथ 7.41% प्लस था। आयशा स्टील 26 मिलियंस का इसमें वॉल्यूम है, 0.3% प्लस था। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 24 मिलियन वॉल्यूम के साथ 2.4% पॉजिटिव साइड पे थी, जबकि फ्लाइंग सीमेंट्स में भी 21 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 3% जो है अप साइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स थे उसमें टॉप पे जो है वो बिलाल फाइब्रिक्स है, 24.9% प्लस था। शाहीन इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर रहा है, 17.69% पॉजिटिव हुआ है ये। मुदारबा अल माली 15.58% प्लस था। फर्स्ट पंजाब मुदारबा 14.4%, पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस 13.8%, ग्रेज लीजिंग 10.82% प्लस था। बनीज लिमिटेड 7.4459, एसटीसीएल 7.50, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल 7.50, जबकि ट्रिपल जीएलबी 7.48% अपसाइड पे गए। आज के जो लूजर्स थे टॉप 10 उसमें टॉप पे जो है वो फर्स्ट नेशनल इक्विटीज लिमिटेड है, 9.36% जो है वो डाउन था। हीरा टेक्सटाइल 8.26% डाउन। दोस्त स्टील 7.50%, चकवाल स्पिनिंग 7.38% डाउन। टीपीएल 7.19, दीवान फारूक स्पिनिंग मिल 7.08% डाउन था। ट्रीट कॉर्पोरेशन 5% डाउन। समीन टेक्सटाइल मिल 4.70, सुमित बैंक 4.23 और टीपीएल प्रॉपर्टीज जो है ये भी 3.82% डाउन साइड पे गए हैं। ये मूवर्स थे आज के। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स पे सबसे पहले अपकमिंग बोर्ड मीटिंग देखते हैं। तो कल जो है वो मिचेल्स फ्रूट फार्म्स लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, 3 बजे जो है इनकी बोर्ड मीटिंग है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये जो है वो अगले दिन की प्री ओपनिंग में रिजल्ट आएगा। दाता टेक्सटाइल लिमिटेड का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है, 4 जून को सुबह 10 बजे। उसके बाद हफास सीमलेस पाइप इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो 9 जून 3 बजे जो है वो अनाउंस करने जा रही है। की बात करें तो लेटेस्ट पे आउट में जो है वो सबसे पहला जो अवेलेबल है वो अल अब्बास शुगर मिल्स का है, 30 रुपए का इसका डिविडेंड है। 7 जून इसकी एक्सटेंड बन रही है, शरिया कंप्लाइंट है ये। अलगाजी ट्रैक्टर्स लिमिटेड का 21 रुपए 39 पैसे का डिविडेंड है, 7 जून इसकी भी एक्सटेंड है, शरिया कंप्लाइंट में आता है। एग्रो फर्टिलाइजर का 4 रुपए का डिविडेंड है और एटलस होंडा लिमिटेड इसका 13 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड है, दोनों की एक्सटेंड 8 जून है, दोनों ही शरिया कंप्लाइंट है। 9 जून को जो है वो OGDCL एक्स हो रहा है, 1 रुपए 80 पैसे इसका डिविडेंड दिया, शरिया कंप्लाइंट है। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स का डिविडेंड और बोनस दोनों है, 1 रुपए का इसका डिविडेंड है और 20% के इसने बोनस शेयर दिए, 10 जून इसकी एक्सटेट है। नॉन शरिया स्क्रिप्ट है ये TRG पाकिस्तान, 4 रुपए 40 पैसे का इसका डिविडेंड अवेलेबल है, 10 जून एक्सटेट बन रही है नॉन शरिया ये भी। फौजी फर्टिलाइजर का भी 3.5 रुपए का डिविडेंड है, ये भी नॉन शरिया है और 10 जून इसकी एक्सटेट है। एग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स लिमिटेड 80 पैसे का इसका डिविडेंड है, 10 जून को इसमें भी एक्स हो जाना है, शरिया कंप्लाइंट है। तो एक्स डेट से जो है वो 1 वर्किंग डे पहले जो है वो आप इसको बाय या होल्ड कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। सैफ पावर लिमिटेड की तरफ से जो है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई है, इनकी जो सब्सिडरी अनलिस्टेड कंपनी थी सैफ सीमेंट लिमिटेड, उनके पास फ्री ज़मीन पड़ी हुई थी डेरा इस्माइल खान में, उसकी सेल की जो है वो अप्रूवल और प्रपोजल जो है वो डायरेक्टर्स मीटिंग में जो है वो अप्रूव हो गई है। 1.3 बिलियन रुपीस की ये डील है, जिसको आगे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो जनरल मीटिंग होगी उसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल के बाद जो है वो ये डील एग्जीक्यूट होगी। दोस्त स्टील लिमिटेड की तरफ से भी जो सोशल मीडिया पे जो इनके मुतालिक खबरें चल रही थी कि ये डिफ़ॉल्ट काउंटर से जो है वो रेडी मार्केट में आ रहा है, उसकी तरदीद की है। उन्होंने अपने रिप्लाई में कहा है कि जी ये फेक न्यूज़ है और ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन हमने मीडिया पे नहीं दी, वो जब भी देंगे तो वो प्रॉपर जो DPS का फोरम है उस पे जो है वो पब्लिश की जाएगी। ट्रिपल GL की तरफ से भी जो है वो क्लेरिफिकेशन आई है, मटेरियल इन्फॉर्मेशन है उसके मुतालिक, जो एक सोशल मीडिया पे एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी
कि इनका 500 मिलियन जो वैक्सीन की बोटल्स है चाइना की कंपनी है उसके साथ इनका कोई एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी आज जो है वो ट्रेडिंग सेशन के बाद जो है वो ट्रिपल जीएल की तरफ से तरदीद आई है और उन्होंने कहा है कि जी हमने ऐसी कोई फिलहाल डील साइन नहीं की, जब भी साइन करेंगे तो शेयर होल्डर्स को जो है वो प्रॉपर डीपीएस के फोरम पे जो है वो उसको पहले आगाह किया जाए। तो इस न्यूज़ की वजह से जो है वो काफ़ी मोमेंटम हुई थी दोनों शेयर्स में, डबल जीएल और ट्रिपल जीएल में भी, लेकिन जब न्यूज़ आई है तो पोस्ट सेशन जो हुआ है उसमें काफ़ी जो है वो हैवी सेलर खड़े थे। टेक्सटाइल मिल और जहांगीर सिद्दीकी कॉरपोरेशन के जो राइट्स के हवाले से एनसीसीपीएल ने आज नोटिस दिया है, इनके जो अनपेड राइट सिक्योरिटीज है उनको जो है वो क्लियरेंस और सेटलमेंट के थ्रू जो है वो एलिजिबल कर दिया गया है। क्रिश्चियन टेक्सटाइल मिल्स और जहांगीर सिद्दीकी एंड कंपनी के जो ट्रेडिंग है वो 7 जून से दोनों की स्टार्ट हो रही है, 29 जून जो है वो इन दोनों की लास्ट डे है ट्रेडिंग का और सेटलमेंट जो है वो 2 जुलाई को इनकी होगी लास्ट सेटलमेंट। रिजल्ट्स की बात करें तो आज एक ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तांडीवाला शुगर मिल्स का आज हाफ ईयर का रिजल्ट था, सेकंड क्वार्टर में इन्होंने 9.03 रुपए का लॉस रिपोर्ट किया, पिछले साल सेकंड क्वार्टर में 3.22 रुपए का लॉस था, तो ओवरऑल अभी भी कंपनी लॉस में है। हाफ ईयर का जो इनका टोटल लॉस हो गया है वो 5.62 रुपए है, पिछले साल की नस्बत बढ़ गया है, पिछले साल इनका 3.82 रुपए का लॉस था हाफ ईयर में, पे आउट जो है इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। तो अगर आपको डिटेल में जो है वो इंडेक्स और स्क्रिप्ट्स की टेक्निकल एनालिसिस रिक्वायर्ड होती है तो ये एक चैनल है जे आर ट्रेडर के नाम से, ये डेली जो है वो इंडेक्स प्लस जो स्क्रिप्ट्स होते हैं उसकी टेक्निकल्स जो है वो यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, तो इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ये चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं डेली टेक्निकल अपडेट्स के लिए।